गाइस, मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इजी निटिंग क्लासेस में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ये वाला पैटर्न। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, बच्चों के स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बारीक सा है। देखिए आप नज़दीक से देखिए इसको, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत बारीक सा पैटर्न है, बहुत अच्छा लगता है। एक ये बच्चे का स्वेटर है, 2 साल तक के बच्चे का। ये इसका बैक साइड है इस पैटर्न का, मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ। फ्रंट पे भी इसके कुछ पैटर्न्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से। ये देखिए यहाँ पे ये केबल बना हुआ है, ये भी केबल है, और ये देखिए ये जो पैटर्न हमने पीछे डाला है ये वाला, वही पैटर्न यहाँ बीच में भी है। तो आज मैं आपके साथ ये वाला पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। देखिए ये भी स्लीव्स पर भी है, ये बैक साइड से जो पैटर्न है, सिंपली इसे शेयर करने जा रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आगे ये जो भी पैटर्न है ये सारे शेयर करूँगी। तो बहुत ही बारीक सा है, जैसे मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, देखिए बहुत अच्छा लगता है ऑल ओवर बच्चे के स्वेटर में। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, मैंने ये कुछ फंदे डाले हुए हैं और ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाया हुआ है। देखिए एज इट इज़ ऐसा ही है, 2x2 का बॉर्डर, दो उल्टे और दो सीधे। ये तो रेडीमेड है, हम इसे खुद सेल्फ बनाएंगे। ये देखिए दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर मैंने बनाया, ये सीधे फंदे हैं ये उल्टे फंदे हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब इसके बाद हम ये वाला पैटर्न चढ़ाएंगे, बहुत खूबसूरत है, बहुत आसानी से, बहुत मतलब सिर्फ 4 सिलाइयों का पैटर्न है और वो भी बहुत ही ईजी है। अब देखिए किस तरह से फंदे हमें यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि इवन या ऑड में लेने हैं या कोई भी मल्टीप्लिकेशन लेना है, आप कैसे भी फंदे ले सकते हैं कितने भी इसमें। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले देखिए निडल वूल मेरी बहुत पतली है। ठीक है, ये देखिए ये येलो कलर है, पता नहीं क्यों ऑरेंज दिखाई दे रहा है इसमें। तो वूल मेरी बहुत पतली है, देखिए ये वाला कलर है इसका, और मैंने यहाँ पे 12 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं आपको बताने के लिए सिर्फ। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे धागा आगे करके, दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे सीधा। जिस तरह से एक उल्टा एक सीधा, जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाएंगे। पूरी रो हम एक उल्टे एक सीधे की ही निकालेंगे। ये देखिए सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा धागा बैक साइड जाएगा, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ आएगा। अब ये देखिए एक फंदा उल्टा लिया हमने, धागा पीछे जाएगा, एक फंदा हमने सीधा लिया धागा अपनी तरफ आया, एक फंदा हमने उल्टा ले लिया धागा पीछे गया, एक फंदा हमने ये सीधा ले लिया। देखिए धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। ये देखिए पूरी रो इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा का कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास लास्ट में एक उल्टा फंदा आया है, बैक साइड से आ जाएंगे, बैक साइड से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखिए पहला फंदा हमें सीधा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ, ब्लर हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये पहला फंदा हमें सीधा दिख रहा है, और ये देखिए इसके बाद ये जो गांठ से दिख रही है ना, ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है। तो पहला फंदा तो हम स्किप करेंगे, निट वाइज धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा देखिए हमें उल्टा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे जाएगा, ये फंदा देखिए हमें सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा धागा पीछे सीधा। जिस तरह से हमने फर्स्ट रो निकाली है उसी तरह से हम सेकंड रो भी निकालेंगे, एक फंदा उल्टा फिर ये फंदा सीधा फिर ये फंदा उल्टा। देखिए 2 रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
अब नेक्स्ट थर्ड रो क्या करना है हमें, देखिएगा हमने यहाँ पे ये इस तरह से निकाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फंदा स्किप करने के बाद जो फंदा हमने, देखिए यहाँ पे दो फंदे उल्टे आए, ये जो फंदा है सेकंड वाला, यहाँ पे अब हमें सीधा फंदा बुनना है, जस्ट अपोजिट करना है। और ये जो सीधी वाली फली है, ये सीधा वाला फंदा है तीसरा वाला, इस पे हमें उल्टा बुनना है, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, ठीक है। अब इसको हमें इस तरह से उतार लेंगे, धागा पीछे जाएगा, ये जो देखिए गांठ सी दिख रही है इस पे हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए। अब ये जो है इस पे हम उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे पे, धागा पीछे, ये देखिए उल्टा फंदा है, इस पे हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए इस पे सीधा, जस्ट यही करना है। थर्ड रो में जो हमें उल्टा दिख रहा है उस पे सीधा, और जो सीधा दिख रहा है उस पे उल्टा, ये देखिए, देखिए आप सीधा दिख रहा है, इस पे हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखो इस सीधे पे उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए अब हम फोर्थ रो पर आ गए, फोर्थ रो पर भी सेम वही करना है जो हमने सेकंड रो पर किया था, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बुनना है। देखिए पहला फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, हम इसे उल्टा बुनेंगे, धागा आगे, ये देखिए ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, धागा पीछे जाएगा, हमें सीधा करना है, ये देखिए उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है, धागा पीछे, सीधा दिख रहा है सीधा, ये देखिए यहाँ पे उल्टा, देखिए सीधा। पूरी रो को इसी तरह से कंटिन्यू करना है, बस यही रिपीटेशन चलेगा। रॉन्ग साइड से हमें ऑलवेज जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनना होता है, और फ्रंट साइड से हमें अपोजिट बुनना होता है, जो जैसा दिख रहा है अगर सीधा दिख रहा है तो उसको हमें उल्टा बुनना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको हमें सीधा बुनना है। बहुत आसान सा बुनाई है, और छोटे बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन्स में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बारीक सी बुनाई बच्चों के। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए फ्रंट साइड है। अब इन्हीं चार सिलाई को हमें रिपीटेशन करना है, ठीक है। ये देखिए बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जस्ट ये देख लीजिए आप, सेम पैटर्न है, ये जस्ट थोड़ी सी थिक वूल है और ये बहुत ही थिन है, बहुत पतली वूल है, तो बस थोड़ा सा इसलिए लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दो फंदे सीधे आ रहे हैं, एक दो, यहाँ देखिए एक दो, इसके जस्ट बगल में दो फंदे उल्टे, एक दो, अब यहाँ देखिए एक दो, सेम। एक्चुअली ये जो स्वेटर है ये वाला, इसमें ऊन को, धागे को डबल करके बनाया गया है ना, यहाँ पे ये सिंगल से बनाया है, आप चाहें तो धागे को डबल करके भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ना गफ रहता है, ये देखिए इस तरह से। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो, मेरा ये पैटर्न पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना तो आप अक्सर भूल ही जाते हैं, मुझे लाइक्स नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी, ये देखिए यहाँ पे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।